नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। हम अभी खड़े हैं सेवक रेलवे ब्रिज के ऊपर में और आप देख पा रहे हैं यहाँ की स्थिति जो बहुत ही भयावह है। 50 सालों में मैं स्थानीय लोगों से वार्तालाप करके चीज़ों को जो मैं जान पाया हूँ और सूत्रों के हवाले से जो मुझे पता चला है, डिक्षु बांध के क्रैक होने के बाद ग्लेशियर जो है पिघल करके ऊपर से बांध के ऊपर से पानी का ओवरफ्लो होने के कारण यह स्थिति बना हुआ है। यहाँ पे आप मेरे पीछे ठीक आप देख पा रहे हैं, स्थिति बहुत ही खतरनाक और भयावह हो चुका है। जल स्तर 50 सालों में पहली बार इस तरह का जल स्तर देखने को मिल रहा है। आइए इस विषय में यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं उनके साथ वार्तालाप करके चीज़ों को और स्पष्ट समझते हैं कि मामला क्या है, कब से ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है। तो आइए हमारे साथ। ये कब से है भैया, थोड़ा सा बताइए तो। अरे सर, मैं आइए, क्या नाम है आपका? वेदांत शर्मा। तो वेदांत जी, ये कब से इस तरह का स्थिति यहाँ बना हुआ है? रात को 2 बजे के बाद से। जी जी जी। तो आप लोग इसके बारे में यहाँ के प्रशासन को अभी तक सूचना दिए हैं क्या? सबको, पूरी न्यूज़ सबको मालूम है। जी जी। प्रशासन सबको यहीं पर तो आप देखिए जी, पर नियंत्रण में नहीं आ रहा है ना यहाँ पर, क्या करें जी। प्रॉब्लम ही ऐसा है, सिक्किम गवर्नमेंट का लापरवाही से हुआ, ये नहीं तो उन लोग को केयर करना चाहिए था ना जी। उन लोग केयर किया होता तो ये डिक्षु का डैम होता ही नहीं वैसा कुछ। जी जी। हम लोग देखते नहीं है तो हम लोग को भुगतना पड़ता है। वास्तव में ये क्या कारण है इस तरह का होने का? अब वहाँ पर क्रेक हुआ बोल रहा है तो उसके कारण तो वहाँ से छोड़ रहा है ना, वहाँ से पानी, क्योंकि वो फूटेगा तो पूरा चला जाएगा जी। वहाँ से छोड़ रहा है तो कालीजोड़ा से भी पूरा छोड़ना ही पड़ रहा है, तो वहाँ से छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा एरिया ही ले जाएगा ना। तो जी, थोड़ा थोड़ा इंसान तो बचे, कम से कम आधा तो बचे जी, नहीं तो पूरा ही चला जाएगा। इसको लेकर के आप लोगों को, आपको कितना इसका तनाव है, टेंशन है? टेंशन तो पूरा ही है। क्या नाम है आपका? तबरेज आलम। तो तबरेज जी, आपको क्या लग रहा है, मतलब किस तरह का भय का आतंक है आपके अंदर, क्या है, कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, बताइए इस बारे में। डर पूरा बना हुआ है क्योंकि पानी बहुत रफ्तार में आ रहा है उधर से। जी जी। इसकी वजह से। आप कहाँ रहते हैं? यही सेवक में ही रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ के स्थानियों के लिए सोशल मैसेज क्या रहेगा आपकी तरफ से? यही रहेगा, हमारे पब्लिक जितने हैं यहाँ पे सुरक्षित रहे और अच्छे से रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिस्टर कृष्णा। एक बार और फिर से बताइए कृष्णा जी, कि आप ऐसे समय में क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के लोगों को, जो अपना रक्षा सुरक्षा रहे, अपना बचाव खुद ही से करे। फिलहाल में तो अब क्या, अपना सुझाव में रहे, नदी के पास ना जाए, नदी से थोड़ा दूरी रहे। स्वागत है आपका द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशिक माइकी। तो कौशिक जी, आप कैसे लोगों को और अपना रक्षा करने के लिए संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? पहले बोलूंगा, ये जो स्थिति हुआ है, आप जैसे बता रहे हैं 50 साल पहले भी पहले एक बार हुआ था जी, ये बहुत भयावह स्थिति है। मैं यही लोकल लोगों को आदेश देना चाहूँगा, आदेश या चाहे संदेश जो भी आप बोले, कि कोई भी लो लाइन एरिया में जो भी है तो अपना घर और जो अपना सामान का डॉक्यूमेंट या कुछ खाना लेके ऊपर वाला एरिया में चला जाए, ताकि फ्लड में उसका कुछ क्षति ना हो, यही मैं बोलना चाहूँगा। और जो भी इसका आसपास है उसको मैं पहले ही बोलूँगा, सुरक्षित जगह में अपने आप को और अपने परिवार को लेके जाए, ताकि इस फ्लड को हम लोग सब मिलके रिकवरी कर सके विद जीरो डेथ लॉस। अच्छा कौशिक जी, जैसे आपसे मैंने वार्तालाप किया तो मुझे पता चला कि आप इसके बारे में अच्छा जानकारी रखते हैं, तो हमें ये बताइए कि 50 वर्ष पहले जो स्थिति इस तरह का भयावह एक बार आया था, तो वो कैसा था उस समय में, उस समय का मंजर और आज का मंजर में आप कैसे देखते हैं? उस समय का मंजर में तो एक्चुअली देखिए, मेरा उम्र ही है 25 साल, तो लेकिन मैं जितना सुना हूँ इससे इतना ही भयावह स्थिति था। एक डैम टूट गया था, उसी की वजह से ये हुआ है। अभी जहाँ डैम टूटा हुआ है उसके पहले भी 2 डैम है, अभी देखा जा रहा है जितना भी पानी आ रहा है, लेकिन डैम का अगर लॉक गेट नहीं खुला जाएगा तो डैम भी टूट जाएगा, इसलिए डैम का लॉक गेट भी खुला जाएगा, पानी और भी बढ़ सकता है। तो मैं यही बोलूँगा लोकल वाला आदमी को, जो जो लोला नदी में रहते हैं, अपने अपने घर और परिवार का सामान और जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है सब लेके थोड़ा ऊपर वाला एरिया में जाए, वहाँ पे सुरक्षित रहे। जैसे आपको कुछ पता है तो ये बताइए कि अभी तक कौन कौन सा डैम को खोला गया है ताकि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो इसके कारण? अभी तक जो मेन डैम टूटा है उसके बाद में 2 डैम है, एग्जैक्टली नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन NHPC के पास जो डैम है वो भी शायद खोला जाएगा। नहीं, डैम नहीं खोला जाएगा तो ये पानी को रोक नहीं सकते, क्योंकि डैम के अगर पानी अब रोक देंगे तो पूरा पानी जाके डैम को क्षतिग्रस्त कर देगा, वो ज़्यादा डिवर्सिंग एरिया हो जाएगा। तो जब तक डैम का लॉक गेट खोला जाएगा तभी ये पानी आगे चला जाएगा, ताकि डैम का क्षति ना हो, ना कि नहीं तो फिर बाद में चाशावास जो भी है सबका क्षति हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप और ये जो स्थिति मेरे पीछे जो भयावह दिख रहा है, जो खतरे के निशान से ऊपर पानी जा रहा है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मैं सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, नर्म निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया नदी के आसपास जितने भी लोगों का घर है वो सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी।
आप अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको अपना रक्षा स्वयं करना है। इसको मद्देनजर आप जहां कहीं भी हैं, आप अपने, जैसे मैंने यहां पे एक अपने अभी एक भाई से वार्तालाप करा, उन्होंने बताया कि जो लो रेंज है वहां से उठ करके उच्च स्तर जगह पे जाएं, जो थोड़ा टॉप ग्रेड एरिया है वहां पे जाएं, और जो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है अपने साथ कैरी करें, खाने का सामान ले लें, और थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि ये स्थिति सतर्क रहने की ही आवश्यकता है। तो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, एक बार मैं अपने कैमरामैन भाई जी से बोलूँगा कि ये दिखाए मेरे दर्शकों को, यह स्थिति जो 50 वर्षों में पहली बार, 50 वर्ष पहले एक बार इस तरह का स्थिति आई थी, और इस बार बिच्छू डैम जो है उस पर क्रैक होने के कारण ग्लेशियर, जैसे कि हमने बातचीत किया और सूत्रों के हवाले से मुझे जो जानकारी मिली है, ग्लेशियर के पिघल जाने के कारण वो बिच्छू डैम के ऊपर से पानी ओवरफ्लो, ये भी एक कारण है जिसके वजह से, और लगातार जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ बारिश, रात से ही बारिश, अभी भी अपना मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है, ये भी एक कहीं ना कहीं कारण है जिस वजह से ये स्थिति है। तो आप सबसे मैं यही आह्वान करूंगा, आप सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना रक्षा स्वयं करें। तो फिर हम मिलते हैं आपसे ऐसे किसी अपडेट्स के साथ में। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।